हेलो एवरीवन, मैं जेनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो हमने सीरीज चला रखी है वो स्पेशल आपके लिए। जो बच्चे प्लस टू अपेयरिंग है उसके साथ साथ उनको जेई भी देना है और जो बच्चे ड्रॉपर के हैं तो सभी बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारे बच्चे जुड़े और पूरा का पूरा मेरी तरफ से सपोर्ट किया जाएगा आपको हर चीज का, क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म पे काउंसलिंग के तौर पे भी वीडियो अपडेट आता है और उसके साथ साथ जो भी जेई से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं वो मैं आपको हर टाइम अपडेट करता रहता हूं। तो सभी बच्चे जरूर जुड़े और पूरा का पूरा आपको पता है कि मैं पूरे चैप्टर आपको करवाने वाला हूं वन बाय वन। उसके साथ साथ जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से आपको पूरे कॉन्सेप्ट करने हैं और जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो हमारे पास जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने कराया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स चल रही थी, उसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास रहेगा कि जो मैंने आपको पूरा बेसिस जो बेसिक चीज़ें करवा दी थी, जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें करवाई थी, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स करवाई थी आपको, स्केलर मैट्रिक्स करवाई थी, उसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे और आगे कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो बात आती है कि सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि बाई यूजिंग जीरो एंड वन ओनली हाउ मैनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर थ्री सच दैट इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि जीरो और वन का यूज करके हम कितने डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या बोला है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स बोला है इसने, ठीक है, कितने ऑर्डर की बोला है आपको इसके अंदर, थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स बोला है। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसके अंदर सबसे पहले कंडीशन क्या अप्लाई होगी, इस चीज को देखिएगा कि हमारे पास तीन ऑर्डर की कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे मैंने ले ली, जिसके अंदर क्या होगा कि ये डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, हमेशा जीरो जीरो। तो ये जीरो बैठेगा, उसके बाद ये जीरो बैठेगा और ये भी जीरो, ये तो फिक्स है ना। तो जीरो वाले तो देखो डायगोनल में फिक्स होते हैं, इसको तो मैं हिला ही नहीं सकता। तो जीरो और वन का कहां पे यूज कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये जो खाली जगह छोड़ दी है, स्पेस दिया है, इन पे बिठा सकता हूं। अगर इन पे बिठाऊंगा तो किसका यूज करना है, यहां पे बिठाने के लिए जीरो एंड वन बिठा सकता हूं ना यहां पर एक जगह पे। तो ये बात बहुत अच्छे से लिखनी है, जीरो और वन को बिठा सकते हैं, यहां पर भी जीरो और वन को बिठा सकते हैं, यहां पर भी जीरो और वन को बिठा सकते हैं। तो मेरे पास तीन जगह हो गई, तीन जगह पे मेरे को हर जगह पे बिठाने के लिए मेरे पास कितने नंबर है, दो नंबर है, जीरो और वन का यूज कर सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, तो ये मेरे को पूछा कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस कितनी मिलेगी। तो यहां पे बिठाने के लिए मेरे पास दो है, तो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ा होगा, अरेंज करने के तरीके कितने हुए, एक जगह पे दो, तो इस पे मैं दो बिठा सकता हूं। फिर इनटू का साइन लगाऊंगा, इस पर भी मैं कितने बिठा सकता हूं, दो, इनटू में यहां पर भी मैं क्या बिठा सकता हूं, दो, लेकिन उसमें से माइनस वन करना पड़ेगा। वो किस लिए किया मैंने आपको बताता हूं, टोटल मेरे पास आठ में से वन गया, कितना बचेगा मेरे पास, सात बचेगा, तो मेरे पास सात हो गए। अब ये वन माइनस क्यों किया ये बताता हूं। एक केस आपको ऐसा मिलेगा जहां पे सारे के सारे एलिमेंट जीरो जीरो जाएंगे, वो किस लिए कि जीरो का मैंने यहां पर भी यूज किया, यहां पर भी किया, यहां पर भी किया, तो टोटल आठ में आपके पास एक केस ये पूरा का पूरा जीरो वाला मिलेगा कि सारे एलिमेंट, एक केस ऐसा बनेगा कि डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो मिलेंगे। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे एलिमेंट जीरो कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए मैंने ये एक केस ये वाला माइनस कर दिया इसमें से, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इसको सिर्फ आप जीरोस मैट्रिक्स बोल सकते हो, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो या नल मैट्रिक्स बोल सकते हो। डायगोनल में कभी भी डी वन डी टू डी थ्री नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं हो सकते। हाँ ऐसा हो सकता है, मान लो यहाँ पे अगर मैं वन करता तो चलता, ये पॉसिबल था, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप जो करोगे कि जीरो मैंने बिठाया और डायगोनल बन गई, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये एक केस मैंने यहां से हटा दिया है। तो ये मेरे पास हो जाएगी जीरो और वन का यूज करके कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूं। सिर्फ ये एक लॉजिक की चीज है, कोई रट्टा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। इस बेसिस क्वेश्चन आ जाते हैं, मिक्स क्वेश्चन आगे भी जाके आपको मिल जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट करने वन बाई वन।
ठीक है, डाउट आए तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार का आपका मन में डाउट नहीं रखना है। डाउट रखोगे चीजें आगे बढ़ती चलेगी, आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। अब आगे करते हैं हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या है कि आपको नाम से ही पता लग रहा है इक्वल मैट्रिक्स। तो मेरे पास इस केस में क्या है कि मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी जो है वो इक्वल मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, जब ए और बी क्या हो, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। कहने का मतलब ऑर्डर सेम होगा दो मैट्रिक्स का तभी वो इक्वल मानी जाएगी। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम। तो इस केस में क्या होगा कि जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होगा ना वो क्या होगा, ए और बी का सेम होगा हमेशा। जैसे आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दे दी, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स दे दी, मान लो आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखोगे, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 3 का, जो मैंने बताया कि ऑर्डर कैसे देखना है। इसका भी कितना है 2 into 3 का, दो रो है और 3 है कॉलम है, तो ऑर्डर सेम है। अगर सेम है तो दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। इक्वल होगी तो आपको क्या करना है, A11 हमेशा किसके बराबर रखा जाएगा, B11 के। कहने का मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इन्हीं को बोला जाता है कि जो जिस पोजीशन में जो एलिमेंट बैठा है उसी को बराबर रखना है। जैसे अगर आपको बोला कि A13 किसके बराबर रखोगे, B13 के बराबर रखोगे। बता की समझ में, हर बार ऐसे ही करना है हर एलिमेंट का। चाहे आपने A22 लिया तो B22 के बराबर जाएगा हमेशा। ये पोजीशन देखनी हमेशा कि कौन सा किस पोजीशन पे बैठा है, वो हमेशा बराबर होगा। तो इस केस में AIJ इक्वल टू BIJ वेयर I की वैल्यू 1-2 रहेगी, J की वैल्यू 1-3 रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास कॉलम जो है वो 3 तक जा रहा है, रो कितने तक है 1 और 2 तक जा रही है, आई और जे हमारे पास इस तरीके से रहेंगे। अब हमारे पास ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया। अब अगर बात करें इसका एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो हम हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हैं इसमें, इफ ये मैट्रिक्स इसके बराबर दिया है देन फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे अच्छी चीज जो इसका आंसर आता है ना, वो बड़ा अच्छा आंसर आता है। ठीक है, किस तरीके से आप देखिएगा, दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसका ऑर्डर देखो 2 into 2 का है इसका ऑर्डर, इसका भी 2 into 2 का ऑर्डर है। तो आपको क्या करना है कि एलिमेंट बराबर रखेंगे तो एक्स माइनस वाई किसके बराबर, -1 के, तो एक्स माइनस वाई -1 के। ठीक है, दूसरा 2x - y 0 के बराबर, 2x - y 0 के बराबर। तीसरा 2x + z किसके बराबर रहेगा, 5 के। 3z + w चौथा हमारे पास रहेगा, 3z + w और किसके बराबर है, 13 के बराबर रहेगा। बात आ गई समझ, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट लिया है हमने जो जिस पोजीशन पे बैठा। अब यहां से ये देखो कि y क्या बन गया, 2x के बराबर बन गया ना, तो ये वैल्यू मैं y की जगह यहां पुट कर सकता हूं ना, पुट करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा कि मेरे पास x - 2x हो गया और -1, तो -x बचेगा और -1, माइनस से माइनस प्लस, x कितना आ गया 1 के बराबर आ गया, तो x मेरे पास 1 आ गया। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा x की, वापस क्या पुट किया मैंने, यहां से इस वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 2 into 1 होगा, तो y आपके पास आ गया 2 आ गया ना। y अगर 2 आ गया, अब इसके अंदर भी x की वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं, तो 2 into 1 + z = 5, तो z कितना मिलेगा आपको, 3। अगर z आ गया तो ये z इसमें पुट कर दूंगा, 3 into 3z है प्लस w = क्या, 13, तो w कितना आ जाएगा, 4। तो आपके पास देखो यार बहुत बढ़िया ईमानदार आंसर आया, क्या है कि x1 y2 z3 और w 4, 1 2 3 4 के फॉर्म में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इक्वल के केस में माना जाए तो आपको हर बार ऐसे ही करना है, किसी भी फॉर्म के अंदर आ जाए तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी कोरस्पोंडिंग में एलिमेंट होंगे उनको क्या कर देंगे, हमें बराबर कर देंगे। तो बहुत अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, 1 by 1 जो भी कॉन्सेप्ट है विद क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करने हैं जब प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे नहीं कि चीजें पता नहीं आपको 5वें लेक्चर पे पहुंच गए, पहला लेक्चर आपने किया नहीं है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, तो कॉन्सेप्ट आपके सारे रह जाएंगे। बच्चे ज्यादातर ये दिमाग लगाते हैं अपना। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा सम ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का सम कैसे करना है।
तो आपको सम करना है। सिंपल भाषा में आपको पता भी लग रहा है कि दो मैट्रिक्स का सम कब होगा, ये चीज इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है। जैसे आपको दिया इफ ए बी आर द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी कोई मैट्रिक्स है जो कि सेम ऑर्डर की है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देन द सम ऑफ दोज टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, सबसे पहली बात है। जब आप सम करते हो तो जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट हो गए ना, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ ए और बी के, उनका क्या कर देंगे हमें, ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे, पता कि समझ में। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी से इसको डिनोट किया जाता है। अगर ए प्लस बी से डिनोट करेंगे, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दी है तो इस चीज में देखिएगा कि ए कोई मैट्रिक्स दी है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की, बी कोई मैट्रिक्स दी है बी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की, तो सबसे पहले तो देखो इसका ऑर्डर क्या है भी, सेम ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अगर ऑर्डर सेम है देन ए प्लस बी ए आई जे बी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की हो जाएगी, बता की समझ। दूसरा कैसे, एक चीज और बताता हूँ, इसके अंदर ए प्लस माइनस बी भी कर सकते हो तो भी पॉसिबल है, सेम कंडीशन होती है, तो कोई नेगेटिव की अलग से प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो a प्लस माइनस बी कहने का मतलब ऐसे लिखा है मैंने, a प्लस माइनस बी इक्वल ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे, और मेरे पास कितना ऑर्डर रहेगा m इंटू एन, तो ऑर्डर इनका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास a प्लस माइनस बी भी कर सकते हो, सेम प्रॉपर्टी, सम और जो डिफरेंस क्या सेम रहती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिया है कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, आपको पता ही लग गया कौन से ऐड करने, जिसकी जो पोजीशन है वहीं पे ऐड करने हैं। जैसे आपको ए कोई मैट्रिक्स दे दी, बी कोई मैट्रिक्स दे दी, आपको फाइंड करना ए प्लस बी फाइंड करना है, तो ए प्लस बी जैसे ही करूँगा तो जो जैसे बैठा है ऐड कर दो, क्या करेंगे, टू में एक्स ऐड हो गया, टू प्लस एक्स, जीरो प्लस वाई, जीरो प्लस वाई, माइनस थ्री प्लस जेड, माइनस थ्री प्लस जेड, और नाइन प्लस डब्लू, 9 प्लस W, जो भी है सुधार के लिख दीजिएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा कि पहला जो एलिमेंट बैठा था B के पहले एलिमेंट के साथ ऐड किया, दूसरे के साथ मैंने दूसरा ऐड किया, इसके साथ मैंने ये ऐड किया दूसरी रो का, इसके साथ मैंने इसको ऐड किया, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट हमारे पास ये हो जाएंगे, और आपके पास इस तरीके से ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये तो कोई यार मुश्किल चीज नहीं है बिल्कुल भी, आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो आप ऐड नहीं कर सकते कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब हमारे पास आती है इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इस पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या रहता है, इस बात पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव मैंने आपको बोला है, सेट के अंदर भी हम प्लस वन के चैप्टर में करते हैं कि a प्लस बी किया मैंने, अगर मैं a और b की पोजीशन चेंज करूं, b प्लस a कर दिया तो क्या कहलाएगा, अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो कम्यूटेटिव कहलाएगा। इस केस में क्या बोलेंगे, a एंड b आर कम्यूट टू ईच अदर, क्या बोलेंगे, a एंड b आर कम्यूट टू ईच अदर, ऐसे भी बोल सकते हो आप, बात आ गई समझ में। तो ए और बी क्या हो गया आपस में, कम्यूट टू ईच अदर। तो कम्यूट का मैंने आपको मतलब बताया था कि मैं इन पे सेम रूल लगाऊंगा, ए प्लस बी किया और बी प्लस ए अगर करता हूं, अगर मेरे को सेम रिजल्ट मिले, ए और बी की पोजीशन चेंज करने पे कोई फर्क ना पड़े, कम्यूट का मतलब होता है कि ए और बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उन दोनों का मैं सम कर रहा हूं, अगर चाहे आप उनकी पोजीशन चेंज करने पे अगर मेरे को सेम रिजल्ट मिले तो ए और बी कम्यूट टू ईच अदर होगा। जब भी इस लैंग्वेज में आपको दे तो हमेशा इसी का यूज आपको करना है, किसी भी प्रकार से और कोई चीज सोचनी नहीं है। दूसरा आता है कि एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर तीन कोई भी मेरे पास क्वांटिटी होगी, जैसे तीन मैट्रिक्स है ए बी और सी, मैंने ए प्लस बी किया, मैंने उसमें ऐड कर रहा हूं मैं सी का, अगर आपको ए प्लस बी की जो ब्रैकेट है मैं शिफ्ट करा दूं बी प्लस सी पे, क्या करा दूं, बी प्लस सी पे ब्रैकेट को शिफ्ट करा दूं, और ए को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट को शिफ्ट कराना ही क्या होता है, एसोसिएटिव होता है।
रूल सेम रहेगा, रूल कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा, ऑर्डर कभी भी इसके अंदर डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। एसोसिएटिव के अंदर ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ए बी सी आया तो इधर भी ए बी सी आएगा, सिर्फ ब्रैकेट को शिफ्ट कराना है। ए बी पे था तो मैंने बी और सी पे कर दिया तो रिजल्ट सेम मिला, तो एसोसिएटिव का केस होगा, ठीक है। ये मैंने आपको सेट के अंदर भी पढ़ा के आया था इसी प्रकार से, जो कि प्लस वन के चैप्टर में आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कैंसिलेशन इज पॉसिबल, कैंसिल करना पॉसिबल होता है। कहने का मतलब ए प्लस बी कर दो, इक्वल ए प्लस सी के दे रखा है आपको। कैसे दिया आपको, ए प्लस बी दिया और इक्वल किसके, ए प्लस सी के, तो ए से ए कैंसिल हो जाता है और क्या बचेगा, बी इक्वल टू सी के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, बी इक्वल टू सी के बराबर आ जाएगा। तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल है सम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, देन ए एंड बी आर नोन एज एडिटिव इनवर्स टू इच अदर। अगर दो मैट्रिक्स का सम किया और जीरो के बराबर आ जाए तो इस केस में ए और बी को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स टू इच अदर, एडिटिव इनवर्स टू इच अदर बोला जाता है। या सिंपली भाषा में आप ऐसे कह सकते हो, सिंपली वी कैन से दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ ए किसके बराबर था, ए इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर, ठीक है। तो ए इक्वल माइनस ए के बराबर है, तो कहने का मतलब ऐसे कहोगे कि ए और माइनस ए का सम करूंगा तो ये आपस में कैंसिल हुआ, आंसर मेरे को क्या मिला, जीरो। तो ये क्या होता है, एडिटिव इनवर्स टू इच अदर का केस है। तो मैंने आपको ए प्लस बी का केस भी बता दिया, ए इज इक्वल टू माइनस ए का भी केस बता दिया किस तरीके से होता है, ठीक है। दोनों चीज एडिटिव इनवर्स की है, पता किस समझ में। तो आपको इस तरीके से सम ऑफ प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। अब इस पे अगर बात करते हैं आगे, सम ऑफ प्रॉपर्टी के जस्ट बाद हमारे पास आती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर के बारे में हमने पढ़ा है कि कोई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है स्केलर। अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या करते हैं, ये चीज देखो, कोई भी मैट्रिक्स में लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन एंड के बी ए स्केलर, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई के इज कॉल्ड ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए। इस केस में सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो आपको इस केस में डेफिनेशन तो आपको पता लग गई होगी कि के मेरे पास कोई स्केलर है और मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम इंटू एन है, उसके साथ मैंने क्या किया, इस स्केलर का मल्टीप्लाई कराया। तो मल्टीप्लाई जो कराऊंगा वो ईच एलिमेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई कराऊंगा के की हमेशा। तो इस केस में क्या बोला जाएगा, इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बोला जाएगा। कहने का मतलब मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में कोई भी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कराता हूँ, स्केलर मतलब हो गया कोई कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कराता हूँ तो हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा हमेशा, कोई भी जो नंबर आप मल्टीप्लाई करा रहे हो। तो किस तरीके से, ये चीज देखो आप एग्जाम्पल से पता लगेगा, इट इज डिनोटेड बाई के ए, इसको डिनोट करते हैं के ए से। के हमारे पास क्या रहेगा, कोई स्केलर रहेगा या बोल सकते हो आप कोई कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना, इस बात का याद रखिएगा, ये कोई स्केलर या आपको क्या मिलेगा, कोई कॉन्स्टेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की, देन के ए करना है आपको, तो के जो है ना हर एलिमेंट के साथ जाके क्या हो जाएगा, अंदर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑर्डर उसका सेम रहेगा एम इंटू एन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया, ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ये, तो आपको टू ए बताना है, आपको क्या बताना है, टू ए। तो टू क्या है, कोई स्केलर है, कोई कॉन्स्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। तो टू ए जब भी आप निकालोगे ना, तो कैसे करना है ये चीज देखो, तो दो की अगर इधर मल्टीप्लाई हुई ना इसके अंदर, तो इधर भी दो की मल्टीप्लाई होगी, तो हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा दो, कैसे, टू इंटू थ्री सिक्स, ये बन जाएगा फोर, ये बन जाएगा माइनस टू, ये बन जाएगा एट, ये बन जाएगा माइनस का सिक्स और ये बन जाएगा टू। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, कि मैंने अगर मल्टीप्लाई कराया कि अगर कोई कॉन्स्टेंट नंबर अगर पूरी रो सभी रो के अंदर सभी कॉलम के अंदर है, अगर कोई कॉन्स्टेंट बार आ रहा है तो हम ले सकते हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट से आना चाहिए। जैसे टू का मल्टीप्लाई कराया, अगर बार खिंचुआ ना वापिस टू, तो आपके पास वापिस जो बार बैठेगा आके टू बार आ सकता है, और मेरे पास क्या बचेगा, थ्री टू माइनस वन फोर माइनस थ्री और वन, वापिस हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, टू हर एक एलिमेंट से बार आएगा जब भी बार लेके आ रहे हो, ऐसे नहीं थ्री के साथ बिठा दिया बाकी के पास कुछ भी कॉन्स्टेंट बार नहीं आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है
नहीं होगा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में याद रखिएगा, डिटर्मिनेट में भी जाके आता है, लेकिन डिटर्मिनेट में अलग प्रॉपर्टी लग जाती है इसी चीज पे। तभी आपको वन बाई वन जो चीजें आगे आने वाली है वो आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, और तभी आपको मैंने डिटर्मिनेट की बात यहाँ पे छेड़ दी है, तो ताकि आपके दिमाग में अभी से बैठ जाएगी ये बात कि हाँ डिटर्मिनेट में मैंने एक जगह पे आपको मैट्रिक्स में बोला था डिटर्मिनेट के बारे में कि ऐसे ऐसे स्केलर मल्टीप्लाई होगा कोई कॉन्स्टेंट, तो डिटर्मिनेट में तो पूरे से बार ऐसे नहीं आता है, लेकिन सिर्फ मैट्रिक्स में बार आता है। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है मेसन जाके, लेकिन डिटर्मिनेट में ऐसा नहीं होता। वो भी हम पढ़ेंगे जब वो चैप्टर करेंगे, तो इसके बाद वही चैप्टर आएगा, ठीक है भी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, सो उससे पहले हमारे पास एक नोट आता है भी। नोट में क्या दिया है कि डायगनल के डी वन के डी टू के डी थ्री, कहने का मतलब डायगनल कोई मैट्रिक्स है उसके साथ कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई बैठा है, तो कॉन्स्टेंट के आप पूरे से बाहर जा सकते हो, इनटू में डायगनल डी वन डी टू डी थ्री हो जाएगा। बात आ गई समझ में? तो हर एक एलिमेंट से क्या हो गया, बार आ गया। जीरो के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर डिवाइड लगेगा के का तो हमारे पास कोई भी डायगनल जो मैट्रिक्स होगी उससे के बार आ जाएगा। अगर इस तरीके से दे रखा है तो सीधा डायरेक्ट बार निकाल दो आप, कोई भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है भी। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन की बात करता हूं, तो मेरे पास क्वेश्चन आता है भी, आपको दिया है फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2x माइनस वाई ये मैट्रिक्स दी है, x प्लस 2y ये मैट्रिक्स दी है। तो दो मैट्रिक्स दी है तो हमारे को x और y की वैल्यू अलग अलग बताने हैं, तो किस तरीके से आपको निकालना है? तो सिंपल, आपको जैसे हम कोई भी दो इक्वेशन दी है उसको कैसे सोल्व करते हैं, आपके माइंड में यही आना चाहिए। जब भी दो कोई भी मैट्रिक्स को सोल्व करे इक्वेशन की फॉर्म में अगर आपको दे रखा है, चाहे यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है, आपको ए और बी की फॉर्म में भी दे सकता है इस चीज को, तो हमेशा आपको क्या करना है, एक को हमेशा बराबर कर लो। जैसे हम दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इलिमिनेट करते हैं कैंसिल करके उसी तरीके से। तो इस केस में मेरे को सबसे पहले एक्स निकालता हूं, मैं एक्स निकालूंगा तो यहाँ पे देखो टू एक्स बैठा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का वाई है, इधर एक्स बेटा टू वाई है, तो वाई को बराबर करूंगा कैंसिल करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं दो से मल्टीप्लाई करा के उतारता हूं, ठीक है, दो से मल्टीप्लाई करा के उतारा, फोर एक्स माइनस का टू वाई बन गया इक्वल। ये बात याद रखिएगा कि इधर भी दो का मल्टीप्लाई आएगा, अब पूरी मैट्रिक्स में जाएगा, तो कितना हो गया, बारह माइनस का बारह जीरो, माइनस का आठ फोर और टू हो गया। जब दो की इधर मल्टीप्लाई कराई तो इधर भी होगा, और इधर हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सेम की सेम उतारूंगा तो मेरे पास हो गया x प्लस में 2y हो गया भी, ठीक है, कैपिटल में है तो कैपिटल में ले लो भी xy, ठीक है, कैपिटल के अंदर चल रहा है 4x माइनस का 2y, वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस के अंदर 2y सेम का सेम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं मारा मैंने, तो मेरे पास हो गया 3 टू फाइव माइनस का टू वन और माइनस का सेवन। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, अभी ऐड करूँगा तो मेरे पास ये तो कटेगा और ये मेरे पास कितना हो गया, पाँच एक्स हो गया। तो इधर भी क्रॉस बॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे आपस में वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जैसे ऐड सम किया था मैंने उसी तरीके से हर एक एलिमेंट आपस में जाके 12 का 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 15, माइनस का 12 और प्लस का 2, माइनस का क्या बचेगा 10, जीरो और पाँच, पाँच बचेगा, यहाँ से माइनस का आठ माइनस का दो माइनस का दस, यहाँ पे वन और चार पाँच, दो और माइनस सात माइनस का पाँच, ये हो गया। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे को एक्स चाहिए तो पाँच मल्टीप्लाई बेटा है, तो मैं क्या करूँगा कि इधर से अगर कुछ कॉमन लेता हूँ तो कॉमन आ रहा है पाँच, कितना कॉमन आ रहा है पाँच, पाँच कॉमन आ गया मेरे पास। अगर इधर कर लेते हैं, इधर मेरे पास पाँच एक्स इजकल टू पाँच कॉमन आया, तो अंदर मेरे पास क्या बचा भी, तीन माइनस दो और एक, इधर हो गया मेरे पास माइनस का टू और मेरे पास एक और माइनस का एक, ये हो गया भी। इतना होने के बाद इस पाँच से तो पाँच कट ही जाएगा, एक्स मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया थ्री माइनस टू वन, माइनस का टू वन और माइनस, ये आपके पास क्या गया, एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपको वाई निकालना है, क्या निकालना है, सिमिलरली वाई निकालना है, तो वाई आपके लिए आपको निकालना है, आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है, आप चेक करोगे बिल्कुल इसी तरीके से, कुछ भी स्टेप नहीं बदलना, बता के समझो, आपके लिए होमवर्क करेगा,
इसको आपको करना है, बता की समझ में। तो ये मेरे पास हो जाएगा, कोई भी अगर एक्स और वाई अलग करना हो, कोई भी दो मैट्रिक्स को अलग करना हो, तो किस तरीके से अगर उनका सम दे रखा हो तो हमेशा इलिमिनेट का जो तरीका है वो लगाते हैं, हमेशा अप्लाई करना होता है, बता की समझ में। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो भी है आपके पास, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे सभी बच्चों को अच्छे से, हमारे पास कॉन्सेप्ट हो रहे हैं वन बाई वन। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा ये लेक्चर देखने के लिए। तो सभी बच्चे जुड़े और आपको वन बाई वन कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता चलूंगा। आपने देख लिया होगा कि जो भी चीज आ रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ रही है। तो हमने सम कर लिया बहुत अच्छे से और उस पर क्वेश्चन है वो भी करा लिया। मैं ज्यादा चीजें आपको ऐसे नहीं कराऊंगा यार, बिल्कुल बेकार की चीजें कराता चलूं आप बोर हो जाओगे, नहीं। जो भी चीज कराऊ वन बाई वन कॉन्सेप्ट हमारा पूरा अच्छे तरीके से और कॉम्पिटिशन लेवल पे, जो कि आपका बेस भी धीरे 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 देखो चीजें जुड़ती जा रही है। मैंने क्या बोला है, तो एक एक चीज ऐसे आगे बढ़ती चलेगी कि आपको भी पता नहीं लगेगा कब हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। पूरे अच्छे इंजॉय के साथ आपको चीजें करनी है और बहुत मजे के साथ चीजें करनी है। किसी भी प्रकार से अगर डाउट आ रहा है तो आप जुड़ सकते हो। उसके साथ साथ आपको अपने एप्लीकेशन पर भी ये क्लासेस मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। सेम अपने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके देखोगे, अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो अजय नेवल मैथमेटिक्स के नाम से प्ले स्टोर पे आपको अपनी एप्लीकेशन मिलेगी, वहां से भी जाके कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। सेम क्लासें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो वो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप इतने तक पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट करने हैं, इन पे प्रैक्टिस भी आपको करनी है। आपके लिए ये वर्क रहेगा कि पूरी प्रैक्टिस करनी है, जहां तक हमने कर लिया है कंप्लीट करते चलो साथ की साथ। मैं नेक्स्ट आपको जो भी टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक में आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दी जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इतने तक अपना काम है, करते रहिए।